हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें ग्रुप 18 को डिस्कस करना है। ग्रुप 18 पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स आते हैं, जिसमें से ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक ग्रुप हमारे पास रह गया है वो है ग्रुप 18, या फिर जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। अब ग्रुप 18 के जो मेंबर्स हैं उनके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, नोबल गैसेस, कि ग्रुप 18 के मेंबर्स को हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। अब नोबल और इनर्ट में क्या डिफरेंस है, कौन सी गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं और कौन सी गैसेस नोबल गैसेस कंसिडर होती हैं। जो वर्ड इनर्ट है, इनर्ट वर्ड, उसकी मीनिंग होती है ऐसी गैसेस जो रूम टेम्परेचर पे वर्क ना करें या रूम टेम्परेचर पे आपस में रिएक्ट ना करें। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, वो दोनों गैसेस, अगर हमें उन दोनों गैसेस को आपस में रिएक्ट करवाना हो तो हमें उसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पे वो दोनों गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं और दोनों काफ़ी स्टेबल होती हैं। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, डाईऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसमें डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी हाई होती है और ये गैसेस अनरिएक्टिव हो जाती हैं। तो ऐसी गैसेस जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट ना करें वो इनर्ट गैसेस हैं। तो ग्रुप 18 के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे गैसेस हैं और ये गैसेस भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती हैं। इनफैक्ट ये गैसेस रिएक्ट ही नहीं करती हैं, अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं। तो इन गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी बोल सकते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन भी इनर्ट गैस है और इस ग्रुप के मेंबर्स भी इनर्ट गैस है, तो हम जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करते हैं वो है नोबल गैसेस, कि इस ग्रुप में जो गैसेस आ रही हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, एक्चुअली सारे के सारे मेंबर्स गैसेस हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल की मीनिंग केमिस्ट्री में है कि ऐसी गैसेस का ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो और हाईली अनरिएक्टिव हो, यानी कोई भी रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी ना शो करें, वो कहलाती हैं नोबल गैसेस। अब ग्रुप 18 या जो नोबल गैसेस हैं, या फिर जीरो ग्रुप, ग्रुप 18 को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इस ग्रुप के मेंबर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेंबर है वो है हीलियम। हीलियम गैस से ग्रुप स्टार्ट होता है। उसके बाद है नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टन, सिनॉन, रेडॉन एंड ओगैनेसन, जिसका सिंबल है ओजी। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है और इसका टेम्पररी नेम भी कहीं कहीं पे यूज होता है, अनऑक्टियम, जो इसका टेम्पररी नेम है, और एटॉमिक नंबर 118। तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, उसमें हम मैजिक नंबर 8 ऐड करेंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, अगेन हम 8 ऐड करेंगे तो आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8 ऐड करने के बाद 18, उसके बाद फिर हम 18 ऐड करेंगे तो ये 2, 8, 18 जो है ये मैजिक नंबर्स कहलाते हैं, और जो सब्सिक्वेंट या नेक्स्ट मेंबर होता है उसका एटॉमिक नंबर हम इसी तरह से निकालते हैं। तो आर्गन के 18 में अगर हम 18 प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा, जो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है। देन उसके बाद 36 में क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर में हम फिर से 18 ऐड करेंगे तो 36 प्लस 18 हो जाएगा 54, तो ज़िनॉन का एटॉमिक नंबर होगा 54, और उसके बाद फिर हम 32 ऐड करेंगे 54 में, तो वी विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन, राइट। और रेडॉन और ओगैनेसन को हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बहुत ही, या दोनों गैसेस जो हैं वो बहुत ही कम या माइन्यूट अमाउंट में मिलते हैं, रेडियो एक्टिव हैं, एक तरह से रेयर गैसेस हैं या रेयर एलिमेंट हैं, इसलिए हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करते। तो हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे एलिमेंट की, वो हम हीलियम से लेके ज़िनॉन तक हम इतनी बात करेंगे। तो मेंबर्स कौन से हो गए हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़िनॉन। इस ग्रुप के मेंबर्स के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, जीरो वैलेंट एलिमेंट। जीरो वैलेंट एलिमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी क्या होगी, जीरो, यानी उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है जीरो। जीरो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों होती है, उसका रीज़न यही है कि जो इनर्ट गैसेस हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कम्प्लीटली फिल्ड, सब शेल आ रही है, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होगी, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। तो इनकी बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगी जस्ट बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। तो इसकी वजह से ये ग्रुप जो है बहुत छोटा भी हो जाता है। एनसीईआरटी में 3.5 पेजेस का ये ग्रुप दे रखा है, और अगेन जो हमारे बोर्ड का पेपर आता है
उसमें बड़े सेट से क्वेश्चंस आते हैं जो इस ग्रुप से पूछे जाते हैं। नंबर वन जो आपसे इस ग्रुप से पूछा जाता है वो पूछा जाता है रीजनिंग के क्वेश्चंस, और रीजनिंग के भी दो तीन ही क्वेश्चंस हैं जो हर साल आप देखेंगे, अगर आप पिछले पेपर्स उठा के देखेंगे तो वही पूछे गए घुमा फिरा कर। तो वो रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा ज़ीनॉन के जो फ्लोराइड्स बनते हैं, ज़ीनॉन के कंपाउंड्स हम देखेंगे, फ्लोराइड और ऑक्सी फ्लोराइड्स, तो उसमें जो ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस आपसे पूछ ली जाती है, वही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो है ज़ीनॉन के या ज़ीनॉन फ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर, ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर। तो जो श्योर है, बिल्कुल कंफर्म है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसमें से ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, ये मान के चलिए 1 मार्क का, कि आपसे ज़ीनॉन के फ्लोराइड का स्ट्रक्चर या ज़ीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। उसके अलावा एक नंबर में या तो रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो सकता है और या फिर ज़ीनॉन फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हो सकती है। तो हम जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वही इस चैप्टर में कवर करेंगे, वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो कई बार पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा कौन सी नोबल गैस है या ऐसा कौन सा ग्रुप 18 का मेंबर है जो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलता है, यानी उसकी जो ओरिजिन हो रही है वो रेडियो एक्टिव मिनरल से हो रही है, या पिच ब्लेंडे से कौन सा हमें एलिमेंट मिलेगा। आंसर इज हीलियम। हीलियम जो फर्स्ट चॉइस है वो है हीलियम, और हीलियम के साथ कभी कभी नियॉन भी जो है वो हमें रेडियो एक्टिव मिनरल्स से मिलता है। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन्स आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव ओर्स और मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल पिच ब्लेंडे जो बेसिकली यूरेनियम ऑक्साइड है या यूरेनियम का ओर है, एंड मोनाजाइट एसेट्रा। लेकिन जो मेन सोर्स है हीलियम का वो है नेचुरल गैस, ये भी याद रखिएगा। और इसमें इस ग्रुप के मेम्बर्स में ज़ीनॉन और रेडॉन जो है वो रेयरेस्ट एलिमेंट है, हमने पहले ही बात किया। और जो रेडॉन है वो हमें कहां से मिलता है, वो बेसिकली डिके प्रोडक्ट होता है रेडियम का, यानी जब रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसका न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है, तो जो कंपाउंड हमें मिलता है वो कंपाउंड हमारा है रेडॉन, रेडॉन जिसका सिंबल है RN। इसकी रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दे रखी है कि रेडियम जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है और हमें रेडॉन मिल रहा है, रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 86 और मास कितना होता है 222, मतलब 222। अब जितना हमने डिस्कस किया है उस पर हम एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आपका दे रखा है कि व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर नोन एज नोबल गैसेस। तो अभी हमने बात करी थी कि नोबल गैसेस का केमिस्ट्री में क्या मीनिंग है, गैसेस का एक ऐसा ग्रुप या ग्रुप 18 के मेम्बर्स जिनका वैलेंस शेल जो ऑर्बिटल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और जिसकी वजह से वो क्या होंगे, अनरिएक्टिव होंगे। भाई बाकी के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही तो रिएक्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके करें और चाहे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके करें। अब इस ग्रुप के मेंबर्स का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो हो रहा है, तो ये जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं क्या करेंगे, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, हाईली अनरिएक्टिव है क्योंकि स्टेबल है वो, राइट। और अगर रिएक्ट करेंगे भी तो स्पेशल कंडीशन या ड्रास्टिक कंडीशन में करेंगे, वो कंडीशंस क्या होती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड द यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद द सोल्यूशन दे रखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 18 में उनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए वो क्या करते हैं, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं और ड्रास्टिक कंडीशन में ही दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए उन्हें नोबल गैसेस बोला जाता है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे, तो उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तो वो क्या आएंगी, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में हम एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट की डिस्कस कर चुके हैं। इस ग्रुप में भी जब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी लेंगे तो हम मोस्टली क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कम्प्लीट है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP6। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एस सबशेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, पी सबशेल में। एक्सेप्ट अगर हम बात करें हीलियम, हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है 1s2। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई गई है वो किस बेसिस पे बनाई गई है, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में एंटर कर रहा है। अब आप देखिए कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में जा रहा है, इसलिए पी
ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, लेकिन हीलियम इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हीलियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस सबशेल में जा रहा है, बट स्टिल हीलियम को कहाँ प्लेस किया गया है, पी ब्लॉक में। तो जब भी हम लॉन्ग फॉर्म के ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, डीमेरिट्स की बात करते हैं, तो एक ये डीमेरिट आ जाती है कि हीलियम इज नॉट प्लेस्ड इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एज पर इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सेकेंड पॉइंट है आईपी। अब क्या होना चाहिए आईपी? आईपी होती क्या है, हम फिर से अगर बात करें, आईपी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, जो हम मोस्टली पहले भी देख चुके हैं, तो आईपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आईपी की वैल्यू एक्सेसिवली ज्यादा होगी, यानी हाई होगी, बहुत ज्यादा हाई होती है। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करने से जो वैलेंस शेल है हमें पता है वो अवे होते जाते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। और दो फैक्टर्स जो हैं, एक हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आईपी की वैल्यू है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। इस ग्रुप में अगर हम हाईएस्ट आईपी की बात करें तो किस मेंबर की होगी? ऑब्वियसली हीलियम की होगी। हीलियम की क्यों होगी? क्योंकि हीलियम का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और हाई आईपी की वजह से ये जो मेंबर्स हैं या जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो क्या होता है, कंपाउंड नहीं बनाते, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी देना फीजिबल नहीं हो पाता है। थर्ड अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। इससे भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिकली हमने ट्रेंड क्या देखा है एटॉमिक रेडियाई का, कि एक ग्रुप में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो व्हाट हैपेंस, जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है। अब जब साइज डिक्रीज हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करने में साइज डिक्रीज हो रहा है, तो जब हम एकदम एंड में पहुंचते हैं, यानी जीरो ग्रुप में पहुंचते हैं, हमने ये सारी चीज़ें 11th क्लास में पढ़ी हैं, कि जब हम फिर एंड में पहुंचते हैं तो व्हाट हैपेंस, हम ये चीज़ देखते हैं कि जो लास्ट ग्रुप है, जीरो ग्रुप है, उन ग्रुप के मेंबर्स का जब हम एटॉमिक रेडियाई कंपेयर करते हैं प्रीवियस ग्रुप से तो ज़्यादा हो जाता है। और मोस्टली ऐसा क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो भी आगे ग्रुप आ रहा है, फर्दर ग्रुप आ रहा है, उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो प्रीवियस वाले से कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, हम इसके रीजन को समझेंगे। जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो हम दो तरह की रेडियाई डिस्कस करते हैं, एक वॉन्डरवॉल रेडियाई और एक हमारी होती है कोवलेंट रेडियाई। अब वॉन्डरवॉल रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई क्या है, जब दो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप हो जाती है, और फिर हम ये दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और इसका हाफ कर देते हैं तो हम बात करते हैं कि वो कोवलेंट रेडियाई है। लेकिन ये गैसेस कोई भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती, अनरिएक्टिव है, कोई बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसके जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे उनमें क्या होगा, यहाँ पे गैप प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, यानी उनमें डिस्टेंस होगा, वो अलग अलग होंगे, कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी, इनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, लेकिन वो कौन से होंगे, वो होंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जब हम यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे और उसको हाफ करेंगे तो यू कैन सी ये जो वॉन्डरवॉल रेडियाई है ये एटॉमिक रेडियाई से क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है। तो इन केस ऑफ नोबल गैसेस द एटॉमिक रेडियाई करस्पॉन्ड टू वॉन्डरवॉल रेडियाई की बात होती है, विच इज ऑलवेज लार्जर देन कोवलेंट रेडियाई। तो जो नोबल गैसेस हैं वो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ रहा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई जो है नोबल गैसेस की वो कंपैटिबली ज़्यादा होती है। यानी ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन ग्रुप 18 में हम जब पहुंचेंगे तो ग्रुप 18 के मेंबर्स की जो रेडियाई होगी, एटम्स की जो साइज है, वो क्या हो जाता है, 17 से ज़्यादा हो जाता है। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि वाई डू नोबल गैसेस हैव कंपैटिबली लार्जर एटॉमिक साइजेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप, कि जो नोबल गैसेस हैं उनका जो एटॉमिक साइज है वो जनरली बड़ा क्यों होता है, कंपैटिबली लार्ज एटॉमिक साइजेस क्यों होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने पीरियड में एंड में बिल्कुल आते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो लार्जेस्ट हो जाती है, बिकॉज वॉन्डरवॉल रेडियाई आर कंसिडर्ड इन केस ऑफ नोबल गैसेस, राइट। वॉन्डरवॉल रेडियाई हम कंसिडर करते हैं, वेयर एज हम कोवलेंट रेडियाई कंसिडर करते हैं कहाँ पे, इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स, एंड द वॉन्डरवॉल रेडियाई आर ऑलवेज लार्जर देन
covalent radii. So this is the answer. Just do remember, because this is an important point. बस हम इतनी ही एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर अबंडेंस वाइज पूछा जाए कि सारी गैसेस में से एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलती है, तो द आंसर इज आर्गन. आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर. नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कौन सी नोबल गैस मिलती है, तो द आंसर इज हीलियम. अब ये जो नोबल गैसेस हैं, अभी हमने बात करा, ये कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, तो इनका नेचर क्या होगा या एटॉमिसिटी क्या होगी, दे विल बी मोनो एटॉमिक होंगी. जैसे बाकी की गैसेस हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो फॉर्मलाइज O2 डाई एटॉमिक होती है. नाइट्रोजन की बात करें तो वो भी डाई एटॉमिक है. N2 ओजोन की बात करें तो ट्राई एटॉमिक है. O3 फॉर्मूला आता है. लेकिन इनकी एटॉमिसिटी जो है, इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है, 1 होती है. यानी ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक है. ये जो गैसेस हैं कलरलेस होती हैं, ओडरलेस होती हैं एंड टेस्टलेस होती हैं. और वाटर में जब हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो वाटर में जो है वो बहुत ही कम सॉल्युबल होंगी, या हम कहते हैं पार्शियली सॉल्युबल होती हैं. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन गैसेस के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बहुत ही कम होते हैं. वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी MP मेल्टिंग पॉइंट एंड BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट. अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप अगर सोच के बताइए कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम आ रहा है. अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, या बॉइलिंग जो है, एक बल्क फिनोमेना है. जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट हम जब बोलते हैं, कि वो टेम्परेचर जिस पे फर्स्ट बबल आना स्टार्ट हो, बॉइलिंग स्टार्ट, राइट. अब इन गैसेस के साथ क्या है, ये गैसेस अभी हमने कहा कि इनके अंदर जो इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस हैं वो बहुत ही वीक होते हैं. बहुत ही वीक का मतलब कि डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, जो वीकेस्ट फोर्सेस कहलाते हैं, वो फोर्सेस इनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये गैसेस जो हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती हैं. और अगर कम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो रही हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, लो हो जाएंगे. ये भी आपकी NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है कि व्हाई नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स. तो आंसर आप क्या लिखोगे इसका, कि नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक इन नेचर एंड दे आर, या दे हैव नो इंटर एटॉमिक फोर्सेज, या दे हैव वेरी वीक डिस्पर्जन फोर्सेज, एंड देयरफॉर दे लिक्विफाई और दे बॉयल एट वेरी लो टेम्परेचर्स. तो देयरफॉर दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स. इस ग्रुप में किस गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉइलिंग पॉइंट इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. उसमें से एक मास है, सबसे कम मास किसका होगा, हीलियम का होगा. तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट या लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, किसका होना चाहिए, हीलियम का ही होना चाहिए. और हीलियम का ही होता है, जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो हीलियम का आता है. और सेम वे अगर हम हाईएस्ट की बात करें, तो ज़ीनॉन तक अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ज़ीनॉन का होगा. इसी तरह से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी जो हाईएस्ट है वो किसका होगा, ज़ीनॉन का ही होगा. क्यों? क्योंकि उसका मास सबसे ज़्यादा है. बॉइलिंग पॉइंट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और उसमें से हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो हम मास की बात करेंगे, कि जिसका मास सबसे ज़्यादा है उसी का ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा. एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग होती है, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब अभी हम बात कर चुके हैं कि जो नोबल गैसेस हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, या बहुत ही कम रिएक्टिविटी उनकी आती है. और जो इनर्टनेस है उनकी, वो किस वजह से होती है, तो हम किस फैक्टर को बताएंगे, कि बेसिकली हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी आती है वो डिपेंड करती है उसके कॉन्फ़िगरेशन पे. और जो नोबल गैसेस हैं, इनका कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ऑब्वियसली बात है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी. तो नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, जस्ट बिकॉज नंबर वन, द फर्स्ट रीजन इज दैट दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल. और सेकेंड जो पॉइंट आएगा, अभी हमने बात करा था IP, कि IP जो होती है नोबल गैसेस की, अपने पीरियड में सबसे हाई है. पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोबल गैसेस हैव highest IP in their respective period. तो high IP होने की वजह से, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने की वजह से, इस मेंबर या इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव है. यानी जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाएंगे. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने की वजह से, हाई IP होने की वजह से भी जो नोबल गैसेस हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं. तो ये दोनों रीज़न याद रखिएगा कि इन दो फैक्टर्स हैं, इन दो रीज़न की वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं या इनर्टनेस शो करती हैं. लेकिन अभी हमने बात करी थी कि हमें ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स और ज़ीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स जो हैं, उनके स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. यानी ज़ीनॉन के हमारे पास कंपाउंड्स बन के आते हैं,
अब जब किसी के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी नहीं तो कंपाउंड्स भी नहीं होंगे, बट स्टिल ज़ीनॉन की कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ीनॉन में जब हम बात करते हैं तो ज़ीनॉन जो है, ज़ीनॉन का जो साइज़ है वो अपने ग्रुप में काफ़ी बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से व्हाट विल हैपन कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा, जिसको हम चाहें तो फिर रिमूव कर सकते हैं। दो इजीली रिमूव नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, बट पॉसिबल है। तो इस ग्रुप में हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तीन गैसेस तो कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती, बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि इतनी हाई आईपी है कि कंपाउंड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन के तो आपको कंपाउंड नहीं मिलेंगे, लेकिन क्रिप्टन और ज़ीनॉन में, क्रिप्टन बहुत थोड़े से कंपाउंड्स बनाता है या बनाती है ये गैस, और जो ज़ीनॉन है उसके कंपाउंड्स पॉसिबल है। और ज़ीनॉन की कंपाउंड्स को ही हमें अब आगे पढ़ना है जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एक साइंटिस्ट रहे नील ओबालेट, BARTLETT, जिन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड बनाया ऑक्सीजन को और प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड को लेके, ठीक है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपने आप में प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो उन्होंने ऑक्सीजन को और प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड को लेके उन्होंने एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, O2PtF6 बन के आया। और ये जो O2PtF6 था, इसमें जो ऑक्सीजन था वो पॉजिटिव आयन की तरह और PtF6 जो था वो नेगेटिव आयन की तरह पड़ा हुआ था। तो आयनिक कंपाउंड था ये O2 प्लस और PtF6 माइनस। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, एक्सरे एग्जामिनेशन किया था, जिससे समझ में आया इसमें O2 प्लस आयन्स हैं और PtF6 माइनस आयन्स पड़े हुए हैं। तो इन्होंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है उसकी अगर हम आईपी की बात करें और ज़ीनॉन की आईपी की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है। एनसीईआरटी में आपको वैल्यू भी दे रखी है, अप्रॉक्सीमेट 1170-75 के आसपास किलो जूल पर मोल दोनों की आईपी रहती है, ऑक्सीजन की और ज़ीनॉन की। तो उन्होंने एफर्ट्स किए, उन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन और PtF6 का रिएक्शन आपस में हो सकता है और एक मॉलिकुलर कंपाउंड हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन के आ सकता है, तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि ज़ीनॉन की रिएक्शन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ करा के और ज़ीनॉन का कंपाउंड बनाया जाए। और यहीं से एक मेजर ब्रेक थ्रू आया था, जहां पे हमारे पास, अभी तक हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि ये नोबल गैसेस हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, लेकिन यहीं इसी के साथ ही हमारे पास ज़ीनॉन के कंपाउंड्स बन के आए और काफ़ी सारे ये कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए। लेकिन इन कंपाउंड्स का, यानी ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो पीरियोडिक टेबल के जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होगा जब भी ये कंबाइन करेगा, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ज़ीनॉन के कंपाउंड्स आपको किसके साथ देखने को मिलेंगे, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमने बात करी कि ज़ीनॉन के हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स और ज़ीनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड या ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मिलेंगे आपको इन्हीं दो एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्रिप्टन के भी बहुत थोड़े से कंपाउंड ही हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि क्रिप्टन का डाइफ्लोराइड बनता है, टेट्राफ्लोराइड बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके कंपाउंड्स नहीं है। और रेडॉन के तो कंपाउंड्स की हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो रेडॉन के कंपाउंड्स भी क्या कर सकते हैं हम, फ्लोरीन के साथ बना सकते हैं। और कुछ कंपाउंड हैं जो बनते भी हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नोन नहीं है एक्सेप्ट ज़ीनॉन। और अभी हमने कहा कि अगर हम हीलियम, नियॉन और आर्गन की बात करें तो उनके तो हमें कोई भी कंपाउंड्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगेन फिर से मैं आपसे बात करूं कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि किस चीज़ ने मोटिवेट किया था नील बार्टलेट को ज़ीनॉन के कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में। तो ये पूरी एक हिस्ट्री सी है जो आप याद रखिएगा कि बेसिकली इन्होंने क्या किया, पहले ऑक्सीजन और प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन कराया और उन्होंने एक कंपाउंड ऑब्टेन किया विच इज O2PtF6। अगर हम इसके IUPAC की बात करें तो ये हो जाएगा डाई ऑक्सीजन हेक्सा फ्लोरो प्लैटिनेट 5, यानी जो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगा वो आएगा 5। और किस तरह से बना था, अगर हम रिएक्शन में लिख लें तो सिंपल सा रिएक्शन था, उन्होंने मोलिकुलर ऑक्सीजन लिया, डाई ऑक्सीजन लिया, इसकी रिएक्शन कराई उन्होंने PtF6 के साथ, राइट, और जो कंपाउंड बन के आया वो आ गया O2 प्लस और PtF6 माइनस।
इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है ओ टू प्लस में, ठीक है। और फिर आगे क्या हुआ कि इन्होंने ये चीज़ सोची कि जो फर्स्ट आई पी है वो जिनॉन की और ऑक्सीजन की वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम करते हैं कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन हम जिनॉन के साथ करा लें, तो एक्स ई प्लस बन जाएगा, जैसे यहाँ पे ओ टू प्लस है और हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। तो किस तरह की रिएक्शन आई होगी अगर हम बात करें, ये जिनॉन हमारे पास अगेन गैस है और पी टी एफ सिक्स अगेन गैस, इन दोनों की रिएक्शन अगर हम करा दें तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ही आएगा हमारे पास कंपाउंड, एक्स ई प्लस हो जाएगा और पी टी एफ सिक्स और माइनस, ये कंपाउंड बन के आ गया। तो दोनों की आईपी सेम होने की वजह से, दोनों किसकी, ऑक्सीजन और जिनॉन की आईपी या फर्स्ट आईपी सेम होने की वजह से या इस पॉइंट ने इनको मोटिवेट किया और फिर हमारे पास जिनॉन का कंपाउंड बन के आया। और उसके बाद काफ़ी सारे कंपाउंड जो हैं वो लैब में सिंथेसाइज किए गए, लेकिन सिंथेसाइज सिर्फ फ्लोरिन और ऑक्सीजन के साथ ही किए गए। ऑलराइट, तो हम जल्दी से जिनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से जिनॉन के फ्लोराइड्स हमारे पास बन के आ रहे हैं और किस तरह से बनते हैं। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिनॉन और फ्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन करा के हम जिनॉन के फ्लोराइड्स बनाते हैं। अब जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम देखें तो जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ रहा है 5s2 5p6 और डी जो है वो खाली है। तो 5s में दो इलेक्ट्रॉन है, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग स्टार्ट होगी, ये तो जिनॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा कि ये जो दो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 5d में आ जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास, दो। और उसके बाद फिर जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगी उसमें ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा और आगे जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 और फिर उसके बाद ये अनपेयर होगा और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6। तो 2, 4, 6 आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो जो कंपाउंड्स हमारे पास आएंगे जिनॉन के फ्लोरीन के साथ वो हो जाएंगे जिनॉन का डाइफ्लोराइड है, जिनॉन का टेट्राफ्लोराइड है और जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड है, यानी XeF2 बनेगा। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो फ्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में 4 फ्लोरीन के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा XeF4, और इसी तरह से 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो XeF6। तो ये कंपाउंड्स बन के आ रहे हैं जिनॉन के फ्लोराइड्स। अब आपको क्या याद रखना है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपके होम एग्जाम्स प्री बोर्ड बोर्ड में भी, ये जिनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं उनकी रिएक्शन वाटर के साथ, जो भी हमने कहा था कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन जो हम बात करते हैं, तो हमने तीनों यहाँ पे जो फ्लोराइड्स हैं उनकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखी है, यानी वाटर के साथ हम जब उनको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन के आते हैं, ठीक है। तो जब हम डाइफ्लोराइड और टेट्राफ्लोराइड को यहाँ पे हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, जिनॉन तो मिलना ही मिलना है हमें, पहले केस में भी यहाँ पे और दूसरे केस में भी, दोनों केस में हमें जिनॉन मिल रहा है। ट्रिक से आप याद रखने की कोशिश करिए कि डाइफ्लोराइड और टेट्राफ्लोराइड की जब रिएक्शन होती है तो हमें जिनॉन मिलता है और यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके HF बनाएगा, इस केस में भी HF बनाएगा और ऑक्सीजन आना ही आना है। तो जो पहली रिएक्शन है डाइफ्लोराइड के साथ उसमें हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनॉन, HF और O2। लेकिन जो 4 के साथ ये हो रहा है, यानी जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसमें 4 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, XE मिलना ही मिलना है, HF मिलना ही है, ऑक्सीजन मिलना है, वो कॉमन है, एक हमारे पास आ जाता है जिनॉन का ऑक्साइड। तो अभी हमने कहा था कि जिनॉन के ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इस रिएक्शन को ये भी कह सकते हो कि जिनॉन के ऑक्साइड बनाने का ये भी रिएक्शन है कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जिनॉन का ऑक्साइड। सेम वे अगर हमारे पास जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड है और उसकी रिएक्शन हम कर दें तो हमारे पास अगेन क्या आ रहा है, जिनॉन का ऑक्साइड आ रहा है, XeO3 बनता है प्लस 6HF, यानी कि HF बनना ही बनना है।
तो ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों रिएक्शन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी एक रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो दो रिएक्शन और दे रखी हैं ज़िनोन हेक्साफ्लोराइड की एनसीईआरटी में, वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो ऑक्सीफ्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है और दो ऑक्सीफ्लोराइड आ रहे हैं। यानी कि अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे HCOF4, लेकिन अगर हम दो वाटर मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं यानी वाटर का अमाउंट बढ़ गया। यहाँ कंप्लीट जो रिएक्शन थी वो देखिए किसके साथ आ रही है, थ्री मोल्स ऑफ वाटर है, तीन मॉलिक्यूल कह लीजिए आप उसको, लेकिन यहाँ पे वन मोल है और यहाँ पे टू मोल्स है। तो जब हम टू मोल्स लेके चलते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, HCO2F2 मिल रहा है, राइट। और साथ में क्या आ रहा है, HF। तो HF तो सारी रिएक्शंस में देखिए कॉमन ही हो रहा है, HF यहाँ भी था, HF यहाँ भी था, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई HF यहाँ भी था, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस के केस में भी यहाँ पे HF आ रहा है। तो ये टोटल जो रिएक्शंस हैं हाइड्रोलिसिस की, ज़िनोन के फ्लोराइड्स की या ज़िनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स का फॉर्मेशन या ज़िनोन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ही हमारे पास ज़िनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स बन के आते हैं। अब अगेन हम बात करें कि एक और क्वेश्चन क्या होता है, तो कभी कभी इस रिएक्शन को दे लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6, क्या जो HCF6 के जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे भी लिखी हुई है कंप्लीट और यहाँ पे लिखी हुई है पार्शियल, तो क्या ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस की HCF6 की, क्या वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है? तो अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होना चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो कोई भी हो, चाहे वो आपकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो और चाहे वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही होगी तो वो रिएक्शन क्या होगी, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, एल्स वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन।